में पहुंचे या हमारे पाप का उदय खुद का था। हम दूसरे 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 पर दोष लगाते जाते हैं और कसाई करते चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है कि जिसके ऊपर हम दोष लगा रहे हैं उसको हम कैसे दोषी बनाए, वो तो है ही नहीं रहा। इसलिए सारा दोस्तों अपना स्वयं का है। यह जीव जैसे होता ना मकड़ी, मकड़ी जाल बनाती है और स्वयं ही अपने जाल में फंस कर मरती है, ऐसे यह जीव भी खुद ही स्वयं ही स्वयं के लिए जाल तैयार करता है, कर्म रूपी जाल, और स्वयं ही उसमें फंस जाता है। अब उसमें दूसरों पर आरोप लगाए तो इसमें स्वयं की अज्ञानता है, मूर्खता है। क्या जैसे अपन और समझने का प्रयास करें, जैसे अभी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि हम पूर्व भाव में अनेक अनेक तरह के कर्म बांधते हैं और उस समय कर्म बांधते समय तो हमें कोई ख्याल नहीं रहता है, लेकिन कर्म बदल जाते हैं और जब उदय आता है तो हम फिर चिल्लाने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, जब किया था तब नहीं सोचा, हम ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दोनों जगह प्रश्न लगाओ, अभी हम भी करते हैं कुछ ना कुछ गलत तो सब करते हैं, तो जो भी गलत करते हैं तो हम गलत करते हैं तो हम ही गलत क्यों करते हैं, दूसरा करे हम कोई मतलब नहीं, वो भी तो गलत करते हैं, वो भी उधर ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, तो हम भी करेंगे, ठीक है, उसको तो सजा मिलना ही है, लेकिन उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, ऐसा यदि सोचा तो उसको तो फल मिलना ही है, तुम्हें भी फल मिलना है, निश्चित हो गया। ये मत सोचो कि कौन फल इधर उधर देगा, इधर की कोई दुनिया में ये तो सजा देते नहीं है, तो सारा फॉर्मेलिटी है, लिखावटी सजा है, जो अपन एक दूसरे को सजा देते हुए दिखाई देते हैं, ये कोई असली सजा नहीं है। आगे अपना प्रकरण आने वाला है कि इस जीव ने जो कर्म बांधे उसका फल देने वाला कौन, अपन उसमें डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फल देने वाला हमें दुनिया में जो जो भी दिखाई देते हैं ये तो सब फॉर्मेलिटी वाले हैं, असली फल देने वाला है कर्म, और उसको भी यदि अपन देखें तो उसको बांधने वाला है स्वयं जीव, इसलिए स्वयं ही स्वयं को फल देता है, दूसरा किसी को कोई फल नहीं देता। वो तो पढ़ते ना स्तुति में, स्वयं किए जो कर्म सुभाषित फल शही मेरे में करें आप फल दे रहे तो स्वयं किए, ऐसा कैसे हो सकता है, जब स्वयं ने किया है तो स्वयं ही उसका कर्म को बांधा है तो फल मिलेगा, दूसरा कोई उसको फल देने वाला नहीं है। इसलिए करते समय हर समय सावधान कि गलती हमसे तो नहीं हो रही है सब जगह, क्योंकि वहां जहां गलती करें वहां ये विचार करें कि उदय आएगा, ये बांधा वो उदय, जैसे ही वर्तमान में चल रहा है सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, ये समझ लो कि वो कैमरे लगे हैं, मान लो अपन ने किसी का एटीएम चुराया और चुरा के जाके वहां पर गए एटीएम मशीन के पास और वहां से हमने जाके पैसे निकाल दिए, फोटो खिंचनी बना खिंच गए, अब तो पकड़ा जा रही है, फंस नहीं पक्का है। तो ऐसे ही जैसे हम वहां ध्यान रहता है कि यार एटीएम यदि हमने किसी के चुराव पैसे निकाल रहे फंस जाएंगे, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, जैसे उस समय हमें विचार करके ऐसा काम नहीं करते हैं, इसी तरह समझना चाहिए कि फोटो हर समय खिंच रही है, ऊपर लगी ना पूरे उसमें दुर्धाम भी देखता है, देखा किसी नहीं देखा सैटेलाइट नहीं देखे क्या देखा, और तुम लोगों ने मोबाइल पे नहीं चला है नहीं देखा, देखा ये भी जो फोटो देख रहे हैं ना ये भी उतनी दमदार नहीं, उससे बड़ा कैमरा और ऊपर लगा है, कहाँ लगा है सर्व भगवान के ज्ञान में, वो तो बिल्कुल पूरा पिक्चर क्लियर दिख रही है, एक कैमरा उधर लगा है और दो कैमरे यही लगे, कहाँ लगे दो कैमरे हैं, दो कैमरे कहाँ लगे, एक तो स्वयं का कैमरा जो स्वयं जान रहा है और दूसरा कर्म का कैमरा, तुरंत खिंच फ्लैश भी नहीं चमकता, आवाज भी नहीं आती, इसमें तो आवाज नहीं आती, उसमें तो ऑटोमेटिक बिना फ्लैश के बिना आवाज के फोटो तुरंत खिंच जाती है, अपराध कर लिया अब गया काम से,
अब फंसना है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। दूसरों के यहां तो इधर उधर भगवान बचा लेते हैं, ऐसे वो भी कोई कोई नहीं बचाता है, अपने यहां तो व्यवस्था ही नहीं है, बचा तो उधर ही नहीं, तो किसी को महिमा जा रही है, उधर के भगवान बचाते हैं, उधर ही चलते हैं, इधर के तो गड़बड़ करते हैं, कुछ नहीं बस बैठ गए हाथ में हाथ धरे, ऐसे करना रहा क्या मतलब, ऐसे कहा कि भगवान हाथ पे हाथ धरे, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए भगवान के पास जाओ, भगवान 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 मुझे ये दे दो वो दे दो, बस तुरंत ही कोई बात नहीं बेटा तू भक्त बन गया मेरा, मिल जाएगा, भगवान मेरी माँ बीमार है उसकी आंखें चली गई और ऐसा वैसा उनको माँ दे दो, तुरंत वहां से दो लाइट में गलती और ऐसी ऐसी जाके उसकी आंखों में घुस जाती है। नहीं फिल्म देखी वो नाव में एक केवट की नाव में डूब रहे थे, भगवान 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 आ जाओ आ जाओ, फिर उधर से आए तुरंत बिल्कुल ऐसा आशीर्वाद दिया और नाव एकदम शांत हो रहे बिल्कुल, तुरंत बिल्कुल और गजब है, भगवान से निवेदन तो करने में काम होता है, कई बार भगवान को डांट के भी काम होता है, नहीं देखा भगवान तूने मेरे लिए क्यों किया, डन 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 इतनी जोर जोर से घंटी बजाते हैं, मेरे साथ ही अपराध क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, बार बार घंटियां बजा बजा के बजा बजा के अपने आप देवी और भगवान से बजा के, अरे हाँ इसका काम कर दो जल्दी से, तो तुरंत एकदम कुछ होता है, वो मरा हुआ पड़ा हुआ हो किसी ने मार दी और अपने आप हाथ चलने लगते हैं, ऐसी ऐसी आंखें बड़ी ऐसी ऐसी बड़ी, भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया, कहीं के कोई भगवान नहीं सुनते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है ये सब, जब टीवी ये फिर दादा दिखा देते हैं किसी के नहीं, ना उनके और ना अपने, सबके सब सबके भगवान स्वयं के पास है, कौन से भगवान, कर्म रूपी भगवान, अपन ने पढ़ा था ना कर्म का एक नाम ईश्वर, ध्यान है महाप्रभु कौन से पुराण पद्म पुराण बोले कर्म का एक नाम ईश्वर है, वो जो ईश्वर है ना कर्म रूपी ईश्वर सबके पास है, वही है सबसे बड़ा, माने कुछ गड़बड़ किया वही सबसे ज्यादा देने वाला उसके पास जाओ, इसलिए अपन कहां कहां भटकते हैं, किस किस से क्या मांगते हैं, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, इसलिए बहुत बिल्कुल वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि भाव अपने परिणाम अपने हमें देखना है चेक करना है, हम टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं कहीं अच्छी बढ़िया बढ़िया वो महल देखते हैं दिखता वो दिखता है और क्या बढ़िया कारीगरी दिखता वो दिखता, वहीं पर चिपक जाते हैं बिल्कुल, कैसे चिपक जाते हैं, हमारा जो राग है ना अंदर का उसमें इष्ट निष्ट बुद्धि करता है, जो राग किया वहीं पर हमारे समझ लो राग के परमाणु छिपक गए और उससे जीव ये जो राग की इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि उससे तुरंत के तुरंत कर्म मानता है, बर्फीली पहाड़ियों पर अगर गए शिमला गए इधर गए नेपाल कहाँ कहाँ जो होते हैं ना जो बर्फ बर्फ जहाँ गिरती है वहां गया क्या मजा आ गया कितना बढ़िया बर्फ ठंड भी लग रही है चार चार कपड़े पहने ठंड भी लग रही है और मजा आ रहा है बर्फ में कूद रहे हैं और क्या और ये कितना अच्छा है कितना अच्छा है चिंता मत कर काम से बर्फ में जन्म लेना पड़ेगा उसमें भी असंख्यात जीव होते हैं मैंने कहाँ बचेंगे ये बात तो ये सोचे कई बार जब तुम ट्रेन और बसों में निकलते ना तो समय तुम लोग भी कभी कोई सोचता होगा मैं भी सोचता रहता हूँ जब उधर से निकलते हैं वो जंगलों में पहाड़ियों में पहाड़ों में कहां कहां कौन से कोने में वो पेड़ पौधे छोटे छोटे बड़े बड़े उगे हुए पहाड़ियों पर नीचे इधर उधर 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 सब जगह ये सब वहां क्यों पहुंचे जन्म लेने के लिए क्यों नहीं सोचते कभी सोचो उस समय सोचो जरा विचार करो ये उधर क्यों वो पहाड़ी क्यों कोने में वो चोटी पे वो पेड़ ऐसा लटका है आड़ा ये ऐसा लटका है ये ऐसा लटका है ये सब वहां क्यों जन्म रहे हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां जन्मे सबने कुछ गड़बड़ किया है वहां जाके वहां ऐसे परिणाम किए या वहां जाके कुछ ना कुछ गलत काम किए उस समय उस जगह पर जाके बंद किया और उसका फल हुआ कि ऐसे पेड़ पर उस पहाड़ी पे ऐसे रखे कई बार हम लोगों ने किसी को लटकाया होगा पहाड़ी से वहां पटका होगा वहां किसी को लटका दिया होगा तो अपन ने किसी को लटकाया चिंता मत कर ले तू भी लटका लटके और
सालों साल ऐसे आड़े टेढ़े वो पेड़ पौधे ऐसे लटके रहते हैं, मतलब क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा होगी, माने सारे परिणामों का फल है सारा। इसलिए हर समय जैसे अभी कहा ना, यहाँ तो अच्छे हो जाते हैं परिणाम, वहां बिगड़ जाते हैं, वहां बिगड़ गए माने हम कमजोर हैं। जैसे हम जब यदि हमें कोई अच्छा काम करना हो तो वहां हम पूरी दम से काम करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिगड़ना नहीं चाहिए, लगातार लगातार प्रसाद। ऐसे यहाँ पे यदि बात जम गई तो लगातार लगातार बैठे रहे, ये नहीं कि यहाँ सुना वहां जाके मस्ती, और ऐसी मस्ती के बिल्कुल जेल से छूट के निकले हो, इधर से होते ये प्रॉब्लम, ऐसे भागते हमारे कमरे में पहुंच गया आराम से। चिंतन चले लगातार लगातार, विचार चले कि अरे ये जो बात सुनी हमें परिणाम नहीं बिगड़ना है, खतरा फंसेंगे हम, ये बांधा है कि हमने बांधा तो बन गया तो रह में आनी है, फिर कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने का काम प्रकृति में है ही नहीं। भले किसी के यहां ऐसा बताया जाता हो इनके पास चले जाओ तो बचा लेंगे, उधर जाओ तो बचा लेंगे, अपने यहां तो और कह दिए पूजन की जय माला। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, कितना क्लियर है, शरण जो अपराधी को दे वो भगवान की अपराधी कह दिया, कोई शरण नहीं है ही नहीं कहीं किसी के कोई भी भगवान किसी को शरण नहीं देते हैं, ये हमें पक्का करना होना चाहिए। यदि शरण मिले तो स्वयं की ही मिले, दो प्रकार की शरण कहें शास्त्र, शुद्धातम अरु पंच गुरु जन्म शरण, शुद्धातम अरु पंच गुरु, असली तो है मैं शुद्धातम व्यवहार से पंच गुरु, जब तक अपने में नहीं आते तब तक पांच में जाओ, और पांच के बाद उनसे सीखो कि वो सब पांचों किस में गए, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण, वे उन पांच के पास गए, उनने एक ही चीज सिखाई कि हमारे पास बताओ हम तो उसमें जा रहे हैं, किसमें, आत्मा में, इसलिए तुम ही कहा जाओ आत्मा में जाओ, क्योंकि एक ही सहारा है, दूसरे सहारे कुछ भी नहीं है। तो ये पांच गुरु जो सहारे कहे ना, वो इसलिए नहीं कहे कि उनके पास अटके रहो, वो इसलिए कहे कि हम वो राह दिखाएंगे, हमें वो बताएंगे कि मैं जिसका आश्रय ले रहा हूं, जिसमें मैं रम गया हूं जम गया हूं, तो मुझे अनंत सुख वैभव मिल गया है, ऐसे ही तुम्हें भी ऐसे मिलेगा यदि तुम अपने आत्मा में जाओगे, कितना बढ़िया है। इसलिए पांच गुरु को उनको भी शरण रूप कहा कि वे अपने आत्मा की शरण तक पहुंचा दें, इसके अलावा संसार में कोई शरण नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु कोई मरने न बचाए, न तो कोई मरने से बचाता है, न कहीं का कोई डॉक्टर, न कहीं का कोई मंत्रवादी, और न कहीं कोई भगवान। मरण जब मरण का टाइम आता है तो उसको जाना ही पड़ता है, और आयु होती है तो जीवित रहता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इस कर्म सिद्धांत को एक एक गहराई से पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन में बैठाना पड़ेगा। और ये चीज उनको समझ में आती है जिसका संसार छोटा सा बचा है, बिल्कुल हर चीज पक्के में समझना, इसको समझ में आती है सब, जिसका संसार बस थोड़ा सा है, किनारे पर है, अब लग रहा है कि अब तो मुझे मोक्ष जाना ही है, हमें दूसरे के रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहिए कौन क्या सोच रहा है, हमें अपने रिजल्ट की चिंता करना चाहिए कि हमें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यह कार्यकारी है, हमारे लिए उपयोगी है, इसको समझ कर हम अपना भला कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे। यदि ऐसा ख्याल में आ रहा है तो खुद ही हम अपना बुखार चेक कर सकते, थर्मोमीटर मन के, कि हमारे परिणाम कहाँ लग रहे हैं, पता चल गया कि हमारा मन इसमें लग रहा है, हमारा उपयोग अच्छा है, विशुद्ध है, दुनिया कोई कुछ कहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया पागल कहे तो कहने दो, मूर्ख कहे तो कहने दो, कई लोग उड़ाते ना मजा, थोड़ा सा कोई अच्छा सा अभ्यास करता हो, अध्ययन करता हो, थोड़ी सामायिक करता हो, लोग पता नहीं है इसके बारे में बर्बाद करने के लिए जल्दी तैयार रहते हैं दूसरे को, राइट, ऐसे है ना। मान लो भी कोई मंदिर में आके अच्छा ध्यान लगाया गया, इन सामने दृष्टि बैठा, देख 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 धर्मा, तो दूसरा भी किसी का मन हुआ कितना अच्छा है यार, काम तो ये करने योग्य है, हम भी जाके चिंतन करेंगे,
ये दूसरा चमचा मिल गया, देख दूसरा चमचा ऐसी बनेगी दुनिया में। तो कष्ट करने के लिए तैयार है सारी दुनिया, एक दूसरे की टांग खींचने को तैयार है सारी दुनिया, मजा उड़ाने को तैयार है सारी दुनिया, लेकिन हमें दूसरों की परवाह नहीं करना है कि दूसरा क्या कहेगा, क्योंकि तो दूसरों ने तो बहुत कह दिया। और कहते ना कुत्तों के क्या किसके मौके से कौ के सोचने से घोर नहीं बनते, इसलिए कोई कुछ कह रहा हो तो कहने दो। ये फिल्मी गाना भी पुराने जमाने का, अरे बोले कोई मुझे जंगली कहे, हम ऐसे ही है कोई मुझे जंगली कहे कहना दो जी और क्या, अरे इकबाल बुरी बात है। कोई ऐसा कुछ दूसरा है कि दुनिया की तो आदत है कहने की, कुछ कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का तो है कहना, काम कहना, वो तो कहेंगे। तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, उसमें भी ऐसे कैसे पहन, कमी ऐसे कैसे करी, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, माने दुनिया की तो आदत ही बड़ी है, इसके अलावा उनको कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए हम उनको ना देखकर अपनी ओर देखें। हमें तो यही करना है, बस यही करना है, जिसको जो कहना है कहे। यदि इसके चक्कर में लोग जो मुनि बन गए दीक्षा ले ली, वो सोचते कि अरे कोई क्या कहेगा, कहते नंगे घूम रहे, यदि ऐसा सोचने लगते तो नगे दिगंबर गुरुराज नहीं बनते, उन्हें तो कितना बड़ा त्याग कर दिया, कितनी तपस्या कर दी, सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन हमें सोचते रह गए कि हम यदि ऐसा कुछ करेंगे तो कोई क्या कहेगा, हम अच्छा काम करेंगे तो कोई क्या कहेगा, कोई मजे लेगा, कोई समय दृष्टि कहेगा, धर्मात्मा कहेगा, तो खराब क्या कह रहा भैया, वो यदि कह रहा था कोई समय दृष्टि बैठा कितनी अच्छी बात है, मैं अच्छा दृष्टि तो नहीं कह रहा, लेकिन हमें वो खराब लगता है, वो समय दृष्टि भी खराब लगता है। जब समय दृष्टि खराब लग रहा है तो समय दृष्टि बनोगी कैसे, इसलिए कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह न करते हुए हमें तो अपना काम करना है। और जो अपना काम नहीं कर पाता है ऐसे परिणाम बिगाड़ता है, कषायन करता है, कर्म बंधन करता है, उसको फल मिलता है। अभी अपन को थोड़ी सी चर्चा और करना है, माने कोई कल विशेषता से आएगी, एक सामान्य इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा परिचय बस आज अभी दे रहे हैं कि जैसे जैसे जीव ने कर्म बांधे हैं तो कर्म के बांधने से जैसे भाव किए उससे जब कर्म बंध जाता है तो बंधने के बाद वो जीव के अस्तित्व में आता है तो किस तरह से पड़ा रहता है। कर्म बंद हो गया, अब बंधने के बाद जैसे मैंने भोजन किया तो भोजन करने के बाद भोजन ऑटोमेटिक बिना कोई प्लान किए, बिना कुछ विशेष पुरुषार्थ किए, विशेष या कोई पुरुषार्थ बिना किए, बस यहां मुंह के अंदर भोजन डाला, फिर भोजन किस तरह इसके ऑटोमेटिक कहां कहां कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करता है कि भोजन किया थोड़ा ऐसे ऐसे हो गए जिससे भोजन भी साथ में चला जाए, थोड़ा ऐसे ऐसे हो गए थोड़ा साथ में चला जाए, ऐसा कोई करता है तो शरीर में तो जा ही नहीं रहा है, क्या करो थोड़ा चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए, कोई प्रयास करता है। भोजन किया आओ उसके बाद उसका जो कन्वर्जन है वो कहां कहां अपने आप ऑटोमेटिक ही हर जगह चला जाता है, हर हिस्से में चला जाता है, और उसमें भी एक ही क्या मशीन है तो उसमें से ब्लड ऑटोमेटिक कुछ ब्लड बन जाता है, कुछ मांस रूप में परिणत हो जाता है, कुछ हड्डी रूप में चला जाता है, और माने कितनी सारी जो सात धातु उपधातु होती है ना शरीर में उन सब में अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप चला जाता है, कोई करने वाला नहीं, कोई पहुंचाने वाला नहीं। यदि इसकी कोई साइंस ने कुछ दिमाग लगाया हो तो बताना, माने लगाया भी हो तो साइंस ने तो मशीन ही लगाई उसमें, ये चीज तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर है और अपने आप ये सारा होता रहता है। और उसमें से जो एकदम जो बेकार खराब हिस्सा था ना भोजन का, वो सब मलमूत्र आदि के माध्यम से निकल जाता है, और जिसमें जो पौष्टिक चीजें थी वो शरीर में इधर उधर उधर तक चली जाती है, ये सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। गन्ने की जूस की मशीन होती है उसमें रस रस इधर आ जाता है, कचरा कचरा उधर चला जाता है, वैसे ही गन्ने की जूस की मशीन है कि उसमें से कुछ कुछ
इधर उधर चला गया जहां चाहिए था, भगवान की सब कचरे जैसा बन मुद्रादी से निकल गया। तो ये जिस तरह से ऑटोमेटिक इसमें होता है, उसी तरह से जैसे हमने भाव किए तो कर्म भी, कर्म का जो बंधन है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। क्या मतलब है? अब मैंने देखा ना, हर समय सात कर्म बनते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जिस समय आयु बनती है तो आठ ही बनते हैं। उस समय हमने भाव किए और भाव के अनुसार जो हमने परमाणु को अपनी तरफ खींचा, कर्म परमाणु खींचते हैं, हर समय हम अनंत कर्म परमाणु को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कितने अनंत कर्म परमाणु, जो उससे अनंत कर्म परमाणु अपनी तरफ खींचे, उनमें से कुछ परमाणु चले गए ज्ञान वर्ण में, कुछ चले गए दर्शन वर्ण में, कुछ वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतर सब सब में डिवाइड हो गए। ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह होते हैं। बस इतना इसमें विशेष ये है कि जीव ने परिणाम तो पहले किए, फर्स्ट वो परिणाम किए, जैसे भोजन किया तो सब अपने आप होता है, ऐसे ही जीव ने परिणाम किए और परिणाम के बल पर ये सारा इस तरह से कर्मों में डिवीजन होता चला जाता है। और इसमें ये सब ही है कि कितने कौन कौन से कर्मों को कितने किसमें ज्यादा कर्म जाएंगे परमाणु, किसमें कम जाएंगे, ये भी सिस्टम है। जाते समय अनंत अनंत है, ज्ञान वर्ण में परमाणु अनंत, दर्शन वर्ण में अनंत, ऐसे हर एक कर्म में अनंत अनंत परमाणु लगते हैं और उसमें भी अनंत में विभाजन है, इसमें कम उसमें ज्यादा, इसमें कम उसमें ज्यादा, ऐसा भी सिस्टम है। इस तरह से कर्म बंधन होता है। अब वो सभी के सभी कर्म जो बंधे तो किस तरह से किस रूप में जीव के साथ रहते हैं, बस दो मिनट में इंट्रोडक्शन देता हूं, डिटेल चर्चा पर कल करेंगे। दो मिनट अपने पास है, देखिए जरा इसमें सत्ता में स्थित कर्मों की अवस्था एक बार सबके सब दिखाते हैं, कल एक एक पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। सत्ता में स्थित कर्म माने कर्म जीव ने बांधे, बांधने के बाद जैसे माने भोजन इधर का उधर अपने आप डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही कर्म बांधने के बाद वो किस किस रूप में डिवाइड होता है, उसके अंदर क्या क्या चलता रहता है, वो सारी चीज इसके अंदर आई है। अपन कल इसको भले ही नाम थोड़े शब्द थोड़े कठिन लगते हों, ऐसे शास्त्री वाले सब ने पढ़ दिए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबके पढ़े हुए बड़े स्थान में हैं, और इस पर अभी एक किताब भी लिखी जा रही है, दस कर्ण वाली ज्वल्ला जी की किताब, इसका जो पूरा डिटेल पूरी एक दो ढाई सौ पेज की किताब है, इसका डिटेल इतना ज्यादा है। तो लेकिन अपन इनको बहुत शॉर्ट में कल इनकी एक एक चीज की डेफिनेशन और इतना सरल रूप में दो चार एग्जाम्पल लेंगे तो आपको एक बार कहने पर ही सब याद हो जाएगा। तो कर्म किस तरह से डिवाइड होते हैं, फिर जीव के साथ पड़े रहते तो उनमें क्या क्या होता रहता है, पढ़ते घटते इधर उधर ट्रांसफर होते क्या होते हैं, क्या होता है, ये सब की विस्तार से चर्चा पर आगे करेंगे। अभी अपन यहीं पर विराम लेते हैं, अभी के समय हो गए। जय हिंद।